subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। पहला है मुलाकात फैसिलिटी, जो पिछला तरीका चल रहा था उसमें उनको विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आती थी क्योंकि जाली वायर मैश काफ़ी महीन था और एक तो पास पास बात करते थे तो ऑडिबल प्रॉब्लम्स से उनकी आवाज़ सुनने में दिक्कत होती थी। तो अब नया मुलाकात शुरू किया है, पूरा अरेंजमेंट जिसमें कि टेलीफोन पर बात होगी और सामने में ग्लास पेन है और सिक्योरिटी फीचर है। तो एक तो उसका उद्घाटन हुआ, उसमें भी जो फीमेल इनमेट हैं उनका सेपरेट एक अरेंजमेंट है और मेल इनमेट्स का सेपरेट। उसमें साउंड प्रूफ फैसिलिटी है, उसमें विंटर्स के लिए हीटिंग अरेंजमेंट है और चाइल्ड फ्रेंडली कॉर्नर्स हैं। तो ये तो मुलाकात फैसिलिटी है। सेकंड, जो वेलफेयर ब्लॉक का उद्घाटन हुआ उसमें प्राइमरली एक बेकरी अरेंजमेंट है, जिम है, ड्राई कैंटीन है, बार्बर शॉप है, उसके साथ एक रिक्रिएशन हॉल है और टेलीफोन की जो सुविधा है, प्रिजन इनमेट कॉलिंग सिस्टम, ये सब का उद्घाटन हुआ। है कि इन्होंने जब से यहाँ आए हैं डीजी साहब, एसएसपी साहब, डीएसपी साहब, इन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कंटीन सामान से भरा पड़ा है। ये लगभग हम अगर मुझे भी यहाँ 7-8 साल हो गए जो पुराने बंदों से सुनते आ रहे हैं, लगभग 28 साल के बाद ये कंटीन फिर से शुरू हो गई। इससे पहले क्या होता था, परचेजर ज़्यादा था, डिमांड लाने ज़्यादा था, 5 दिन 6 दिन लग जाते थे डिमांड लाने में, लेकिन अब यह है कि इनमेट्स के लिए जब भी चाहे दिन में ये सामान खरीद सकते हैं इधर। और दूसरी बात, इधर जिम खुलवाई इन्होंने, रिक्रिएशन हॉल बनवाए इन्होंने, बेकरी बनाई इन्होंने, एसटीडी कॉलिंग जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, एसटीडी जो हम इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं, हम हर दिन हम अपने वालदिन से, पेरेंट से, भाई बहनों से बात कर सकते हैं। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ आई है हमारे लिए।
ये 90% जो हमने ये कंप्लीट की है, जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसमें अब हम टाइल और ये सेंट्री आइटम का काम कर रहे हैं, जो एक माह के अंदर अंदर इंशाल्लाह रहमान हम इसको करेंगे, नवंबर के महीने में इसको हैंड ओवर करेंगे कंसर्न डिपार्टमेंट को। हमारा यहाँ जो गांव में बंतरू गांव में बहुत बेरोज़गारी है, तो अगर ये हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल, इससे हमारे नौजवान कहीं ना कहीं पार्ट टाइम बिजनेस करते तो उससे हमारा यूथ को फ़ायदा मिलता। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की शुक्रगुजार है सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये जो हॉस्टल बन रहा है गर्ल्स हॉस्टल है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, आरएनबी वाइलू इस वक्त इसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है, लगभग 90% इसका काम पूरा हो चुका है। फ़ायदे तो बहुत हैं, फ़ायदे तब है जब गवर्नमेंट कुछ सोचे, फ़ायदे दुकानदारों को भी है, ट्रांसपोर्टर्स को भी है, बाकी जो यहाँ की आवाम है उनको भी फ़ायदे मिलेंगे, कम से कम दुकानदार सब्ज़ी फरोश है, फूड स्ट्रीट वाला है और कोई भी है, इससे काम चलेगा, लेकिन तब जब यह हॉस्टल फंक्शनल हो जाएगा। मेरा ये पहला बार है कि मैं लेह में आया हूँ, और यहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा माउंटेन बाइकिंग में, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज जो हमारा एक्सपीरियंस रहा इस तरह के जंप्स जो यहाँ पे बनाए हैं, इट वाज द फर्स्ट टाइम कि इतना बड़ा जंप हमने हिट किया, और यहाँ पे ट्रेन करने को भी मिला एक हफ्ते। मैंने इंडिया के बाहर भी माउंटेन बाइकिंग किया है, थाईलैंड में चांगमाई एंड्योरो ट्रेल पार्क, और जब यहाँ मैं आके राइडिंग कर रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा स्कोप लग रहा है, अगर लद्दाख टूरिज्म इस पर ध्यान दे एंड इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके इवेंट और ऑर्गेनाइज करवाए, साल में 2-3, तो यहाँ का स्पोर्ट्स टूरिज्म के लिए इंडिया में लद्दाख माउंटेन बाइकिंग हब बन सकता है। मेरी जो जर्नी है वो तो जो लोकल स्कूल है उसके थ्रू स्टार्ट हुई थी,
और उसके बाद मैं ऑर्फनेज में चला गया था बेमना क्रॉस, बेमना श्रीनगर में। ऑर्फन होम में रहना कोई मतलब इट्स ए मिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। वहाँ पे यू हैव टू फेस सम हार्डशिप्स टू, बट द थिंग इज़ दैट इफ़ यू आर एबल टू कन्वर्ट दोज हार्डशिप्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, देन आई डोंट थिंक दैट इतना बड़ा इम्पैक्ट आप पे पड़ेगा लाइफ में। घर वालों ने मेंटली बहुत सपोर्ट किया हुआ है मुझे, इवन कि फाइनेंशियली तो इतना, बिकॉज नहीं थी इतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग कंडीशन, बट मैं खुद फाइनेंशियली मैनेज कर लेता था। बट व्हाट आई नीडेड वाज एनकरेजमेंट, दैट ऐसा होता है बिकॉज व्हेन यू आई केम फ्रॉम दैट टाइप ऑफ विलेज कि यहाँ पे 10th 12th में ही कुछ बंदे नौकरी भी कर लेते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी बैकवर्ड। The second thing is my mom. He is not so much educated. I would rather say 4th or 5th में पढ़ी हुई है. But she had belief in me that education is the only thing through which you can change the entire course and it will define your history. कि जो फैमिली कंडीशंस रही हैं वो उन फैमिली कंडीशंस के होते हुए भी इनका क्वालिफाई करना माशाल्लाह उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत मेहनती हैं एंड ही इज़ अ काइंड ऑफ इंस्पायरेशन फॉर द पीपल ऑफ दिस एरिया। इसमें ज़्यादा कास्ट भी नहीं लगता है और इनको हम बोलते हैं, यह हमें टेक्निकल नॉलेज भी देते हैं। इससे यही फ़ायदा होगा कि हम ऑर्गेनिक खेती बना सकते हैं जिससे हमारे हम लोगों का सेहत इम्प्रूव हो जाए। Thank you.
क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन हमारे ऐसे डिजीज आ रहे हैं कि एक रिपोर्ट आई है WHO से भी एक रिपोर्ट आई है कि जो हम बहुत ज़्यादा हमने खाद यूज कर चुके हैं इससे हम एडवर्सली इफेक्ट हो रहे हैं, हमारी हेल्थ एडवर्सली इफेक्ट। इसी को ध्यान रखते हुए हम एक कल्चर चला है कुछ सालों से जिसको हम ऑर्गेनिक कल्चर बोलते हैं। उस ऑर्गेनिक में हम कोई केमिकल खाद यूज़ नहीं, जैसे इनऑर्गेनिक कोई खाद जैसे NPK वगैरह कुछ यूज़ नहीं करते। उसको प्रमोट, ज़मीन को अच्छी रखने के लिए, इसमें अच्छी पैदावार करने के लिए हमारे पास जो ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट है यूनिवर्सिटी ने एस्टेब्लिश किया है। यहाँ पर ही नहीं, बहुत सारे हमारे यूनिट यूनिवर्सिटी के अंदर मानसबल में भी है, शुहामा में भी है, वाडूरा में भी है। ये हमारा एक कंसेप्ट, यहाँ हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर जो पहले भी थे और जो प्रेजेंटली ऑनरेबल वाइस, उनका भी एक यही था कि हम एक ऑर्गेनिक ब्लॉक यहाँ डेवलप करें, एक ऑर्गेनिक जो स्टेट है या UT है इसको हम बना पाए। अगर कोई भी इसको लगाना चाहे, हमसे हमारे पास टेक्नोलॉजी लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है। अगर आप इस तरफ देखें, ये कुछ सिर्फ टीन और इंग्लैंड का बना हुआ है, कोई हाईटेक इसमें नहीं बना हुआ है। अगर वो टेक्नोलॉजी हमसे लेना चाहे, जो वर्म्स है वो हमसे लेना चाहे, और अगर कोई ज़मींदार भाई इससे कोई अपनी पैदावार करना चाहे, अगर वो डायरेक्टली हमसे वर्मी कंपोस्ट वो भी ले सकता है। और इसकी एक अच्छी मार्केट है और अलग सी मार्केट है। अगर आपका टमाटो या चिल्ली 20 रुपये KG बिकता है, ये ऑर्गेनिक अगर आप उसको एक ऑर्गेनिक मार्केट में भेजें तो यही टमाटो आपको ऑर्गेनिकली जो हमने ग्रो किया है अराउंड 50-60 रुपये चला जाएगा। Thank you.